हेलो दोस्तों, राज एसी टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि एसी में जो कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ होता है वो उसका काम क्या है, और 1 टन और 1.5 टन 2 टन के एसी में जो है वो किस कितने साइज़ का लगा हुआ होता है और उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो एक भाई ने जो है मुझे कमेंट किया था कि सर एसी में जो है वो कितने टन एसी में कैपिलरी लगाई जाती है। ठीक है, तो इस कमेंट के हिसाब से मैंने जो है सोचा कि एक वीडियो इस टॉपिक में भी बनाया जाए। ठीक है, तो अगर एसी से रिलेटेड कुछ भी आपके पास जो है कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानेंगे कि 1 टन और 1.5 टन और 2 टन की एसी में जो है वो क्या साइज़ का जो है कैपिलरी लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आउटडोर के पास जो है स्टेनर के बाद, हम लोग फिल्टर भी बोलते हैं, फिल्टर के बाद जो है वो कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ होता है। ठीक है ना, तो कैपिलरी जो है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि एंड में आपको बताऊँगा कि आप बिना कंफ्यूज हुए जो है वो किस हिसाब से आप कैपिलरी आउटडोर में लगा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 टन का जो एसी है उसमें जो है आपका लगता है 0.55 ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब जो लगता है वो 0.55 का ही लगता है कैपिलरी ट्यूब। और इसका जो लेंथ होता है वो 32 इंची का लंबाई होता है, लेंथ यानी कि लंबाई 32 इंची जो है वो लंबाई होती है। ठीक है ना, और 1.5 टन एसी में 0.60 का जो है वो कैपिलरी ट्यूब लगता है, और इसका जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो 27 इंची होती है। ठीक है ना, 27 इंची लंबाई होती है। और 2 टन का जो एसी है उसमें 0.64 का जो है कैपिलरी ट्यूब लगता है, जिसमें इसका जो लेंथ है लंबाई है वो 28 इंची इसकी जो है वो लंबाई होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 1 टन 1.5 टन 2 टन में ये कैपिलरी ट्यूब लगता है और इसका जो लंबाई है वो इस तरह से है। ठीक है, 1 टन का 32 इंची लंबाई है, 1.5 टन का 27 इंची और 2 टन का 28 इंची। तो इसमें क्या हो सकता है ना कि आप जो अभी 1 साल के बाद या अभी 6 मंथ के बाद जो अभी मशीन आ रही है या इससे पहले भी न्यू मॉडल की जो एसी जो आ रही है, इसमें क्या है ना कि थोड़ा छोटा या बड़ा कैपिलरी का जो लेंथ है वो हो सकता है। ठीक है ना, वो हर कंपनी का अलग अलग डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आप अगर कैपिलरी अगर चेंज करना हो तो आप कैसे समझेंगे कि इतना साइज़ ही का लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करें कि आउटडोर जो आप कैपिलरी जो आपका जो कैपिलरी अगर चौक हो जाता है तो उस समय में जो है कैपिलरी चेंज करना होता है। ठीक है, तो आप कैपिलरी को वॉश भी कर सकते हैं, अगर वॉश नहीं करना है तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर चेंज करना है तो। ठीक है ना, और अगर जब भी आप कैपिलरी को चेंज करें तो उसको क्या करें कि जिस एसी से जो कैपिलरी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, उस कैपिलरी का जो एक छोटा सा टुकड़ा आप शॉप में ले जाएं, उस साइज़ के हिसाब से वो आपको जो है निकाल कर दे देगा। और जितनी लंबाई है उसकी उतनी ही लंबाई आप ले, मतलब जो एसी का जो कैपिलरी आप चेंज कर रहे हैं तो उसी एसी का जो है कैपिलरी को जो आपको क्या करना है कि निकालना है, और उसका जो लेंथ है लंबाई है उतना ही लंबाई का जो है उसी साइज़ का आप कैपिलरी लगाएंगे। ठीक है ना, और एक बात और आप जो है ध्यान में रखिएगा कि अगर कैपिलरी ट्यूब आप देख सकते हैं कि अगर फिल्टर से जो निकलता है कैपिलरी वो 2 पार्ट में भी निकलता है, किसी किसी में 1 पार्ट में निकलता है। ठीक है, तो आपको अगर 1 पार्ट में निकला हुआ है तो 1 ही पार्ट के हिसाब से लगाना है किसी एसी में। ठीक है ना, और अगर 2 पार्ट में निकला हुआ है फिल्टर से तो आपको 2 पार्ट में ही लगाना है। तो जिस तरह से जो मॉडल में आपका कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है उसी तरह से आपको भी शॉप से जाकर ये जो है आसानी से मिल जाता है, आप ख़रीद सकते हैं और इस तरह से जो है वो आप कैपिलरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर कुछ कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।